रायबरेली में मिशन शक्ति के तहत महिलाओं का सम्मान हुआ। जेंडर चैंपियन सम्मान समारोह के अंतर्गत शिक्षा, खेलकूद व कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 25 महिलाओं व छात्राओं का सम्मान किया गया। इस मौके पर सीडीओ ने बचत भवन में प्रशस्ति पत्र देकर महिलाओं का सम्मान किया। पर्चे बता दीजिए। मैं निशा, मेरा निशा है और मिशन शक्ति के तहत आज हम लोग को सम्मानित किया गया। कितनी खुशी आप लोग को मिल रही है? बहुत ज़्यादा खुशी हम लोग को भी है। क्या है मिशन शक्ति, किस कार्यक्रम के लिए आज आप लोग को उपहार दिया गया है? नारी सम्मान के लिए। क्या किया आप लोगों ने इसके तहत? हम लोगों ने वो मिशन शक्ति के तहत स्कूल में जाकर बालिकाओं को कराटे की ट्रेनिंग दी। और इससे आप क्या लोगों को क्या जागरूक करना चाहती हैं? बस मैं बालिकाओं को इतना बोलना चाहूँगी, चुप्पी तोड़ो, खुल के बोलो। कितने का उपहार आप लोग को दिया गया है? क्या वा? कितने का उपहार आप लोग को मिला है? चेक 5,000 का। किसने दिया आप लोग को? अभिषेक गोयल। उनके विषय में आप कुछ कहेंगी? हाँ सर को मैं धन्यवाद कहता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीतिका गुप्ता है, मैं नेशनल चैंपियन हूँ। किस कार्यक्रम लेके आज आप लोग को सम्मानित किया गया है? ये जो मिशन पूरे जिले में मिशन शक्ति का कार्यक्रम चल रहा था लड़कियों को जागरूक करने का, उसमें हम लोगों ने सब स्कूलों में जाके लड़कियों को निःशुल्क कराटे का प्रशिक्षण दिया और जागरूक किया है। उसी के लिए सीडीओ साहब अभिषेक गोयल ने हम लोगों को ये प्रशस्ति पत्र और 5,000 रुपये का अपडेट देकर सम्मानित किया। आप कुछ कहेंगे उनके विषय में, सर के विषय में? जी सर ने सर हम लोगों को ऐसा सहयोग करते रहेंगे, हम लोग पूरे देश की महिलाओं को, बालिकाओं को ऐसे जागरूक करते हैं। क्या खुशी आप लोग आज महसूस कर रही हैं? हम लोग को बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि सर ने हम लोगों का साथ दे रहे हैं। और नारियों के विषय में क्या कहेंगी? बस यही कहेंगे कि सबको आत्मरक्षा सीखनी चाहिए। आत्मरक्षा अगर हम लोग सीखेंगे तो हम लोग अपनी भी सुरक्षा कर सकते हैं और लोगों की और बालिकाओं को भी सुरक्षा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत हमने 20 जेंडर चैंपियन, ये महिलाएं जो ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी बालिकाओं की, अपनी बच्चियों की बहुत उत्कृष्ट देखभाल की है और उसके लिए अग्रसर हैं, एवं 5 ऐसी बालिकाएं जिन्होंने खेलकूद एवं कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उनको हमने आज यहाँ पर पुरस्कृत किया है, सम्मानित किया है। उनको हमने एक सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन प्लस एक 5,000 रुपये की FD दी है यहाँ पर समाज में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। सर किस कार्यक्रम के तहत ये आयोजन किया गया था? ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम जो और मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत शासन के निर्देशों के अनुरूप ये आयोजित किया गया है।